हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज लाइट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश के एमसीक्यू है, जो कि हिंदी की सीरीज होने वाली है। आज जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं एंड इंग्लिश मीडियम में हैं, आप लोग दोनों लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, बिकॉज क्योंकि हाँ, आप लोगों को इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में तैयारी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट वीडियो जो आज प्रकाश के एमसीक्यू, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों के कितने एमसीक्यू राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है तरंग के समान, एंड ऑप्शन नंबर बी है कण के समान, ऑप्शन नंबर सी जो है वो तरंग एवं कण दोनों के समान, जो ऑप्शन नंबर डी है तरंग एवं कण के समान नहीं। सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो तरंग एवं कण के दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवण की घटना, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे तीसरी होती है प्रगामी, अनुप्रस्थ या अंधेर। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की जो ध्रुवण की घटना होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे अधिकतम किसमें होता है, डायमंड में यानी हीरे में, पानी, निर्वात एवं हाइड्रोजन। प्रकाश का जो वेग होता है वो किसमें अधिकतम होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में जो होता है, वैक्यूम में जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिकतम, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो इसका जो आंसर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा, वैसी ही रहती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, 8 मिनट यानी 2 मिनट या 6 मिनट या 4 मिनट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप जो 6 मिनट होते हैं वो 6 मिनट लगते हैं प्रकाश का जो वेग होता है, सूर्य का जो वेग होता है वो पृथ्वी तक पहुँचने के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, या ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन या पारगमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तन विवर्तन पारगमन की प्रगणना के आधार पर। सो आप लोगों को ऑप्शन इसमें चूज करना है कौन सा राइट है, जो जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। सो इसकी व्याख्या किसके अंतर्गत की जाती है, सो इसका हाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की प्रगणना के आधार पर जो इसकी व्याख्या की जाती है, अपवर्तन विवर्तन एंड पारगमन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी में कोई लकड़ी डाली जाती है तो वो हल्के से सकते मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित किस कारण से होता है। सो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विसर्जन। सो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो लकड़ी जो होती है पानी में डूबी हुई मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है।
जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन नंबर बी है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। ऑप्शन नंबर डी है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो लाइट है, लाइट के एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आप लोग ये जो एमसीक्यू है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ये एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से रेट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कोई भी एमसीक्यू आ सकता है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के एग्जाम में। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सघन माध्यम से जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो प्रकाश कहाँ जाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अधिक के साथ, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है प्रकाश, एंड आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? जो इंद्रधनुष होता है वो किस कारण बनता है? अपवर्तन और अपरिक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन और अपवर्तन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा अपवर्तन व परावर्तन। सो ऑप्शन नंबर जो डी है, अपवर्तन व परावर्तन के कारण हमारा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में आप लोगों को मालूम होगा 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, जिसका नेम होता है, हम लोग इसके थ्रू याद करते हैं, विव ग्योर। यही जो है, यही हम लोगों के इंद्रधनुष में कलर आते हैं। बी से वायलेट, ई से आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, एंड ओ से ऑरेंज, एंड आर से रेड। इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ होती है आर की, रेड की सबसे अधिक वेवलेंथ होती है, एंड बी की सबसे कम होती है। जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के ऑप्शन में रेड नहीं दिया तो आप लोगों को ऑरेंज टिक करना है, फिर येलो, ऐसे करते करते सीरीज में आप लोगों को वेवलेंथ के बारे में टिक करना होता है। एंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोग देखा होगा, रेगिस्तान में जब जाते हैं तो मरीचिका बन जाती है। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? सो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब मृग मरीचिका बनती है, मिरेज बनाने वाली प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। जो पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। सो एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के आधार पर एंडोस्कोपी जो है वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? जो तरल से भरा हुआ बीकर होता है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है जो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है तो अपवर्तन के कारण ही होती है। जो पानी में आप लोग लकड़ी डुबाते हैं तो वो भी कुछ उठी उठी दिखाई देती है ऊपर हुई, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग होता है। सो प्रकाश का वेग आप लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ता है, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदें पर गिरने से अपवर्तन व आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी है, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है।
ऑप्शन नंबर सी है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकट हो जाता है। दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है? सो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष कब बनता है? जब आप लोग जानते हैं कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद आप लोगों को इंद्रधनुष का दर्शन होते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडल में वर्षा की बूंदें गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? आप लोग मालूम 7 कलर होते हैं, 7 कलर में इंद्रधनुष बनता है जिसे हम नेम देते हैं ब्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अंधेर तरंग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग जो है वो प्रकाश की तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं? सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवीकरण जो घटना है वो ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? सो प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की वो मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। क्या प्रकाशीय फाइबर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स, आज के लिए लाइट के MCQ 20 MCQ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, कमेंट करें जो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी BSC नर्सिंग के थ्रू, एंड आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।